नमस्कार, आप देख रहे हैं P4 न्यूज। मैं आपके साथ करिश्मा। दिल्ली स्थित सरोजनी नगर में 18 अक्टूबर को होने वाले प्रोग्राम के मद्देनजर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल मीडिया मेंबर ऑफ पर्सन कि आप सब यहाँ आए। जैसा कि आज की प्रेस वार्ता का आयोजन RNM फिल्म प्रोडक्शन और रूल फाउंडेशन के तत्वाधान में किया जा रहा है। यह अवार्ड सेरेमनी 18 अक्टूबर को लाजपत भवन में आयोजित किया जाएगा और इस अवार्ड सेरेमनी में देश और हित और समाज हित में जो विशेष डिफरेंट फील्ड में विशेष कार्य करते हैं उनको विशेष रूप से सम्मान प्रदान किया जाएगा। एवं इसमें मिस्टर एमिस एम्बिसस 2019 और स्पेशल किड्स रैम वॉक सिंगिंग कॉम्पिटिशन का भी आयोजन किया जाएगा। और आज हमारे इस प्रेस वार्ता में आए हुए सभी अतिथि मेम्बर और पर्सन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि इन सभी के प्यार और आशीर्वाद से जो कार्यक्रम 18 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है सभी के प्यार और आशीर्वाद से सफल हो ताकि हम उन बच्चों को एक राइट में प्लेटफॉर्म दे सकें जो विशेष कार्य कर रहे हैं जिनमें हुनर है बट उनको जो मंच नहीं प्रदान किया जाता उनको एक मंच प्रदान करने के लिए जो विशेष कार्य किया जा रहा है। आई होप कि आप सभी के प्यार आशीर्वाद से जरूर सफल होगा। हमारे बीच हमारी ऑर्गेनाइजर मेम्बर ऑफ पर्सन सुधारा परवीन जी, बाकी की इन्फॉर्मेशन आप उनसे दिला। नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं सुल्ताना परवीन, DKSD कपूर लाडली फाउंडेशन की नेशनल सेक्रेटरी। मैं हमारा जो एक प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें हम लोग अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको डेडिकेट कर रहे हैं हम लोग अवार्ड देके। उसी में ही हम लोग एक मिस्टर इंडिया मिस और मिसेस का हम लोग एक परफॉर्मेंस करवा रहे हैं फैशन शो का। और उसमें हम लोग स्पेशल किड्स को भी हम लोग आगे लाना चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं और स्लम एरिया के किड्स को भी हम लोग आगे लाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा है, हम लोगों का ये प्रयास है, हम लोगों का ये पहला कदम है कि हम अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी को डेडिकेट करते हुए हम इन बच्चों को आगे लाना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा कार्य किया है, इतना अच्छे लेवल पे थे वो, हम लोग उनसे काफ़ी इंस्पायर हैं। तो हम इसलिए हम इन बच्चों को भी आगे लाना चाहते हैं। इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है जिसमें हमारे जितने भी मीडिया पार्टनर्स हैं, हमारे न्यूज़ जेड इंडिया और न्यूज़ चक्र, ब्रेकअप न्यूज़, ABP न्यूज, जितने भी न्यूज वाले हैं सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज उन लोगों ने इतना सपोर्ट किया हमें और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इतना सहयोग दिया। हमारे बीच सहयोगी संस्था करण प्रोडक्शन जो कि हमारे साथ मिलकर इस पूरे अवार्ड सेरेमनी और मिस्टर एंड मिसेस इंडिया का जो आयोजन होना है उसमें विशेष रूप से अपना योगदान देना चाह रहे हैं ताकि इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाया जाए। आज हमारे बीच अतिथि के रूप में आस्था और रविंदर सर और अनिला जी ने आइए बाकी की चीज़ें हमें आशीर्वाद के रूप में हमारी माँ और सब अपडेट करें। मैं आप सबको जय माता की बोलना चाहती हूँ और पहले तो आप सबका थैंक्स कि आप लोग आए, अपना कीमती समय हमें दिया और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं बहुत बार मतलब आ चुकी हूँ आर्यन के प्रोग्राम में कि आर्यन एक ऐसा बच्चा है कि जो मतलब बच्चों को उभारता है, जो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके बारे में दो शब्द बोलते हुए कि जो बच्चे आज इतना अच्छे कार्य करते हैं पर उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको कोई स्टेज नहीं मिलती, उनको कहीं बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। तो RN ऐसे कई प्रोग्राम करके उन बच्चों को स्टेज पर लाता है जिससे मैं बहुत प्रभावित हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारे साथ हमारी बेटी भी एक इस टाइम मिली है जिससे बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं ये लोग। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग 18 तारीख को आओ और आशीर्वाद हमेशा आप लोगों का बच्चों के ऊपर ऐसे ही बना रहे और हमारे कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। जी जय माता की, मैं आस्था। थैंक यू मैम। अब हमारे बीच में हमारे राजेंद्र कपूर सर हैं, साउथ डिस्ट्रिक्ट के सीनियर चीफ वार्डन है दिल्ली सिविल डिफेंस के। ये समाज के लिए बहुत कार्य करते हैं और इन्होंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी बेटियों को इन्होंने काफ़ी आगे तक पहुँचाया, उनकी शादियाँ करवाई हैं, उनके लिए काफ़ी हमेशा उनके लिए आगे खड़े रहते हैं। उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ। आज मैं जो भी कुछ हूँ आप लोगों के सामने, जो भी हूँ मैं, सब इन्हीं की वजह से हूँ। आज मैं जितना भी आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ, खड़ी हूँ या फिर समाज में कुछ भी चीज़ कर रही हूँ तो आज मैं इन्हीं की बदौलत हूँ। इन्होंने ही मुझे इतना आगे बढ़ाया, मेरा एजुकेशन से लेकर मेरे हर चीज़ में इन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया है तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब सर कुछ शब्द कहें अपने बारे में। सभी ने कुछ कह दिया, उसके बारे में हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो 18 तारीख के प्रोग्राम हो रहा है इसको अच्छे लेवल पर, अच्छे अच्छे लोग उसमें आए, जिन लोगों ने देश के लिए कुछ भी काम किया है हमारी संस्था और RN मिल के इनको, उन लोगों को भी सम्मानित करेंगे जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य किया।
सुमिला जी। नमस्कार, मैं श्रीमती वीरा सवर पिछले 24 साल से अपना एक एन जी ओ रन कर रही हूँ, जिसमें हम लोग महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं और बच्चों को उठाने के लिए। और इसी दौर में मुझे अभी मुलाकात आ रही थी, पहले तो नहीं थी लेकिन अभी मैं मिली हूँ, और इनके सब कार्यों के बारे में पता चला, बहुत अच्छा लगा इनके बारे में सुन करके। खास तौर पे जो ये बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं, बच्चों को उठाने के लिए, ये हर किसी के बस की नहीं इस काम को करना, बच्चों को उठाना और देश के लिए, देश के काम करने के लिए, देश की सेवा का भाव उनके अंदर करना, ये हर किसी के बस में नहीं है। और क्योंकि सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली दो हमारी ऐसी हस्ती हैं जिसको शायद देश कभी नहीं बुला पाएगा, हम लोग कोई नहीं बुला पाएंगे, और उनके नाम से ये अवार्ड फंक्शन रखना, बच्चों में भी भावना जागृत करना कि जिस तरीके से वो देश के लिए कुछ करके गए हैं, अमर हो गए हैं, तो बच्चों में एक भावना ये जागृत होगी हमें भी कुछ देश के लिए ऐसा करना है जिससे कि हम भी आगे अपना नाम अमर कर सकें, उन बच्चों को प्रेरित करना। तो मैं ये चाहूँगी कि हम सब इनके साथ, हम तो हैं ही लेकिन आप सब भी इनका साथ दें ताकि हम देश के बच्चों को आगे उभार सकें, देश के नया भविष्य जो है बना सकें। धन्यवाद। जैसा कि हमारी अतिथिगणों ने बताया कि अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी का जो विशेष अवसर पर ये अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है, कि आपने देखा होगा कि हर पर्सन आज की डेट में कई एक्टिविटीज़ करा रहा है, बट मेरा मानना है कि जो एक्चुअल टैलेंट होता है, ज़रूरी नहीं कि वो शहर में ही हो। अगर बच्चों में हुनर देखने की बात की जाए तो हमें थोड़ा सा गाँव में जाना होगा, कस्बों में जाना होगा, क्योंकि झोपड़ियों में जाना होगा, जो एक्चुअल टैलेंट की नीड है हमें वहाँ प्राप्त मिल सकती है, जो हमारी नीड है। तो आई थिंक कि हम और सुल्ताना जी मिलकर उन विशेष बच्चों को एक मंच देंगे जो आज तक आपने कभी उनको मंच में नहीं देखा होगा। हमारे बीच करण सर हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट में एक सहयोगी संस्था के रूप में मुझे पूरा सपोर्ट करें। करण जी प्लीज। सर, मेरा फॉर्म का नाम करण प्रोडक्शन है, जैसे आर एन जी ने बोला, आर एन जी के लिए बहुत से शो दे चुका हूँ और मैं उनको अटेंड भी कर चुका हूँ, तो मुझे इनका जितने भी शो होते मुझे अच्छा लगा, ये इन्होंने मेरे साथ मीटिंग करी, उन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, आगे ऐसे लोगों को ऊपर आने में सहायता हो सकती है जो जिनको करेंट नहीं मिल पा रहा है, जिनको लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे। तो भाई करेंट प्रोडक्शन जो कि चंडीगढ़ बेस्ड प्रोडक्शन है मेरा, हम लोग पंजाबी अध्यक्ष वगैरह करते हैं, तो मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, अब आप लोगों की सहायता से मैं इनकी सहायता करके सबके साथ देखते हैं कहाँ तक मैं जुड़ सकता हूँ उनके साथ। और हमारे बीच मिस इंडिया 2019 नीतू सिंह जी भी हैं, और हमारे साथ नेहा गांधी जी भी हैं जो मिसेज एनसीआर 2018 साथ में है। मैं चाहूँगा कि आप मुझसे इस शो के लिए। मैं नेहा पांडे 2018 में मिसेज दिल्ली एनसीआर विनर रह चुकी हूँ। मैं आर्य सर के साथ बहुत टाइम से तो नहीं फिर रही, हम टाइम उस टाइम से मैं इनके साथ हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका जो एक नेचर है और ये जो बोलते हैं वो चीज़ें करके दिखाते हैं। मैं चाहती हूँ जो बच्चे पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं और वो इनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। नमस्कार सभी को, बस मैं यही कहूँगी कि सपोर्ट करें इस शो को, और अक्टूबर में आई थिंक होगा ये शो, 18 अक्टूबर को है, तो सब पूरी सपोर्ट करें अपना। आज के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए पी4 न्यूज़ के साथ। मैं आपके साथ गरिश्मा, नमस्कार।